नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि रात में यहाँ पर हिंदी का टेस्ट कराया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशल होता है। जैसे कि ये टेस्ट आपका है आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म करने के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ले आते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रात आपको लगभग 10:15 बजे आपको ये टेस्ट कराया जाता है, तो आप लोग रात 10 बजे एक बार फिर से टेस्ट आप दे सकते हैं। तो जितने यहाँ बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ने का प्रयास किया करिए, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फास्ट रिवीजन होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके कह सकते हैं कि सभी प्रैक्टिस सेट के निचोड़ होते हैं, ठीक है। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कल की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपका परिवर्तन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा आपसे, यदि आपने खाता नहीं खोला है तो कृपया खोल लें, ठीक है। ये आपसे पूछा है, और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। देखो, 2 से 3 प्रश्न आपके इंग्लिश के आते हैं, उसी पैटर्न के अनुसार आपके ये प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए, यदि आपने खाता नहीं खोला है तो कृपया खोल लें, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ये देखा जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है ओपन, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर जब आप देखते हैं कि जो आपका ये होता है ओपनड होता है, ओपन नहीं होता है, तो ओपनड आपका जो लिखा है कहाँ पर लिखा है, देखिए बी नंबर, इफ़ यू हैव नॉट ओपनड एन अकाउंट प्लीज ओपन इट। तो जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, याद रखिए ओपनड होता है, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जहाँ पर आपको एक प्रश्न आपका जो कि इंग्लिश से हिंदी के लिए आएगा। अगर आपसे द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सो प्रेयर सेल ऑर्डिनरली बी इन राइटिंग, इसका हिंदी आपका क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जवाब दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर थोड़े से इसका आंसर बता देते हैं, काफ़ी बच्चों को इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, वरिष्ठ पदाधिकारी के निर्देश समानता लिखित में होंगे, ठीक है, इसका जवाब आपका यह हो जाएगा। अब जो बच्चे को अगर नहीं आता है तो वो बच्चे परेशान ना हो, उस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब एक प्रश्न की वजह से पूरा का पूरा माथा बच्ची नहीं कर सकते हैं, और एग्ज़ाम को कह सकते हैं ख़राब नहीं करने देना है, बस उस प्रश्न को बाद में अगर चाहें तो कर सकते हैं, या तो आप स्किप कर सकते हैं उसे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक क्वेश्चन आपका एक और है इसमें है, अगर आपसे अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है। चलिए, इसका जवाब दीजिए, अकाउंटेबिलिटी का जो सही शब्द आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, जवाबदेही होता है, ठीक है। तो 3 प्रश्नों को हमने यहाँ पर स्पीड से बता दिया है, आपका वेट नहीं किया है, क्योंकि हमें पता था एक दो ही बच्चों के जवाब यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए, अब इसका जवाब आपको देना है, करा से मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 का ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। देखिए, यहाँ पर माँ शब्द, माँ आपका वर्ड है, यहाँ भी माँ वर्ड है, जब एक ही वर्ड होते हैं, बार बार होते हैं, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, रात का जो टेस्ट आपका ये होता है, थोड़ी स्पीड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, कर आपसे बी रस का स्थायी भाव होता है, बी रस का स्थायी भाव बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो भाई, बी रस का स्थायी भाव बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उत्साह होता है, क्या होता है भाई, उत्साह होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कर आपसे दामिनी दमक रही घनमाही खल के प्रति जथा थिर नाही, यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा छंद है ना, छंद से भी क्वेश्चन आपका आएगा, और हमने वीडियो बना भी दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए, इस पर हम लोग मात्राएं देखते हैं, मात्राएं लगाते हैं। तो यहाँ पर मात्रा देखो आपकी लगी क्या, यहाँ पर दा बड़ा दा है तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल डबल और आपका डबल। अब इनको जोड़ लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितनी आ गई, 16 आ गई, और इसी प्रकार से यहाँ भी 16 आएंगी, और जब 16 मात्रा होती हैं वो आपकी होती हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, चौपाई, ठीक है। किसका आपका उदाहरण था, चौपाई छंद है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में था, और यहाँ पर वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है हमारी 8:30 बजे वाली क्लास की। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने काफ़ी चर्चा भी किया था,
तो यहाँ पर आपका ए भी सही था, ए भी सही था। लेकिन अगर आपके आयोग ने दे दिया, मान लो अगर आयोग दे देता है, तो ऐसी स्थिति में आप किसको ज़्यादा कह सकते हैं सपोर्ट करेंगे, किस ऑप्शन को सपोर्ट करेंगे? तो 100% जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, डी वाला ही होगा ना, 100%। ठीक है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। तो 100% जो आपका सपोर्ट करेंगे आपको इसको, क्योंकि ये तो 100% आपका सही है भाववाची में, लेकिन चला शब्द को हम लोग बना भी सकते हैं, यहाँ पर अपने को भी बोल सकते हैं, दूसरे को भी बोल सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर करेंगे तो उचित नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ एक ही सही करेगा, वो भी आपका डी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ऐसा प्रश्न आता है, मान लो यही प्रश्न आपका आ गया फिर से रिपीट, तो आंसर आपको डी लगाना है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? चलिए ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। आपको पता है 8:30 बजे जो आपके 8:30 बजे लाइव क्लास होती है, जहाँ पर आपको फुल टेस्ट कराया जाता है, 70 प्रश्न, 80 प्रश्न, 85 प्रश्न। तो अगर आप नए हैं तो आप 8:30 बजे भी लाइव क्लास ले सकते हैं, हिंदी की आपकी कराई जाती है, डेली कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा, ये वाले चिन्ह लगाए हैं जिन्हें हम बोलते हैं कौन सा, उद्धरण। और यहाँ पर आपका डबल उद्धरण चिन्ह है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी है, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय बताइए। 9 का जवाब दीजिए, बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगाया करेंगे रात वाले टेस्ट में। चलिए 9 का जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा वह। देखिए वह, यह, वहाँ, जब, तब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, एत, एव, ये जो शब्द होते हैं इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो परिवर्तन नहीं होते हैं तो उनको हम लोग बोल देंगे अव्यय। तो 9 का ऑप्शन राइट, इसका आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ये आया है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले जवाब दीजिए, 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आप बताइए इसका प्रयोग जो आपका हुआ है किस में हुआ है। ये भी प्रश्न आज के टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, समय आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आप लोग बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने भी 8:30 बजे टेस्ट लगाया उसको बिल्कुल पता होगा, आंसर राइट आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, वृष्टि में आपका ऋषि का प्रयोग आपका हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, 11 नंबर। किस्सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड हुआ। देखो हम जो आपके कह सकते हैं जो टेस्ट लाते हैं, तो एग्जाम जो प्रेजेंट टाइम में होते हैं लगभग आपके उसी अनुसार से टेस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 का जवाब बिल्कुल सही यहाँ पर आ रहे हैं, और ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आपका तालू। ठीक है, सा का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, तालू, ये कह सकते हैं तालव्य बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा है रा व्यंजन आपका नहीं है, तो यहाँ पर देखो मूर्धा, यहाँ पर रा उड़ा है, मातृभूमि भी रहा है और क्रम भी रहा है, लेकिन ऑप्शन राइट आपका ए में नहीं है, तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संज्ञा का भेद नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है आपका 13 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा का भेद नहीं है, नहीं शब्द आपसे पूछा है। देखो संज्ञा के आपके क्या कह सकते हैं, 5 होते हैं ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और आपका द्रव्यवाचक, बल्कि आपने यहाँ पर ऑप्शन आपका देखा कौन सा, 3rd, निजवाचक आपका यहाँ पर नहीं होता, ये आपके सर्वनाम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? 14 का जवाब दीजिए, कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं जो पुल्लिंग शब्द है कैसा कैसी लगा के आंसर निकाल सकते हैं, वचन कैसे हैं, है ना, ये बोल रहे थे वचन कैसी है, नहीं वचन कैसे हैं, जिसका जवाब ए है बिल्कुल सही है, वचन यहाँ पर आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए, मतलब बहुवचन में अब कौन सा शब्द आपका प्रयोग होता है, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, जितने भी 4-5 बच्चे हमारे निगाह में रहते हैं, बिल्कुल हर एक टेस्ट लगाते हैं, उनके कभी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल सही है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन राइट आपका 15 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका 3rd नंबर, आपका दर्शन। ठीक है, दर्शन हमेशा आपके किस में होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को, कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है में वाक्य में रेखांकित कारक बताइए। चलिए इसका जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका कौन सा कारक है, बहन को पुस्तक देता है, यहाँ पर आपको इतने का जवाब देना है पूरे का। ठीक है, तो इसका आपका कौन सा कारक है, तो देखो हमने आपको बताया था कारक आपके 8 होते हैं, और जो कर्म होता है उसमें भी को होता है ना, को होता है, लेकिन संप्रदान में क्या होता है, उसमें भी को होता है, को के लिए होता है, लेकिन संप्रदान का अर्थ होता है देना, और देना शब्द आपको ये लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, बी नंबर, जिसका जवाब बी आया बिल्कुल सही है।
चलिए अगला जवाब दीजिए, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद बताइए। यहाँ पर आप जो आपका है ये आपका किस प्रकार का, अर्थात ये है क्या आपका, क्या है इसमें आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, क्या आप घर भी जाएंगे, यहाँ पर आपका क्या है। तो ये जो आपका है भैया, ये आपका है ऑप्शन राइट आपका थर्ड, ये आपका सर्वनाम है। हमने सर्वनाम आपको बताया था ना, आप क्या है, आप निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा। सही है ना, स्पीड आप भी आपकी सही होगी क्योंकि रिवीजन आप कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं तो उनको बता दें कि 8:30 बजे हमारा जो बेसिक होता है वहाँ पर आपको टेस्ट कराया जाता है, जहाँ पर आपको फुल डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो 8:30 बजे आप हिंदी टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए आपसे कह रहा है यहाँ पर कि वह बहुत धार्मिक पुस्तक है, वाक्य में रेखांकित बताइए। यहाँ पर आपको धार्मिक शब्द का बताना है कि इसमें आपका है क्या धार्मिक। और देखो हमने बताया था धार्मिक में जो आपके गुण वगैरह होते हैं, तो गुण के होते हैं आपके विशेषण में, है ना, तो आपका हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन राइट आपका 4 हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। धार्मिक में आपका हो जाएगा विशेषण, बिल्कुल सही है, बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए किसी का भी, ठीक है। चलिए अगला जवाब है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द आपको छांटना है, 19 का जवाब दीजिए यहाँ पर, तद्भव शब्द। और तद्भव ऑप्शन राइट आपका कौन सा, बिल्कुल सही जवाब है शब्बास, वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा कपूर। तो आपका ये देखो कपूर आपका तद्भव है, इसका बनता है आपका कर्पूर बनता है, क्या बनता है भैया, कर्पूर बनता है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर 20 नंबर, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सब कुछ जानने वाला, तो भाई सब कुछ जानने वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सभी के आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, आपका सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और बहुज्ञ मतलब क्या होता है, तो बहुज्ञ मतलब होता है बहुत जानने वाला, ठीक है, बहुत जानने वाला। अगर बात करें आपका यहाँ पर अज्ञ की, तो अज्ञ मतलब होता है जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है, इसमें हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा उत्थान शब्द का विलोम होता है, उत्थान शब्द का विलोम, 21 का जवाब दीजिए भाई। हाँ तो चलिए यहाँ पर काफी बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए, उत्थान का होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका 21 का हो जाएगा, उत्थान का हो जाएगा पतन, ठीक है, 21 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, पतन होता है, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, चलिए जवाब दीजिए। चलिए तो 22 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, 22 का ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, आपका सुधाकर, ठीक है, सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं होता है, तो भाई ये सुधाकर होता किसका है, सुधाकर आपके सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है, किसका होता है भैया, आपके सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए भाई 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर, बिल्कुल फटाफट आंसर देना आपको, बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल रटे होना चाहिए प्रश्न। तो देखो यहाँ पर जलद का अर्थ होता है बादल, क्या होता है भैया, जलद का अर्थ होता है बादल, जबकि यहाँ पर इसका जवाब दिया है आपका समुद्र, दिया है ना, तो आंसर आपका 4, जिसका जवाब डी आया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जलद का अर्थ आपका कह सकते हैं समुद्र नहीं होता है, तो क्या होता है, जलद का अर्थ होता है बादल होता है ना, तो इस प्रकार से आंसर राइट जिसका आपका 4 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर गलती आपकी है, मिट्टी मतलब मिट्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका चिट्ठी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, चिट्ठी, आपकी टाइपिंग में गलती हो गई है, और यहाँ पर आपका चिट्ठी अगर कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, कि पंख आपका अलग हो जाएगा, पत्ता चिट्ठी लेख ये आपके एक हो जाएंगे, लेकिन पंख आपका अलग हो जाएगा, है ना। अगर मान लो अगर मानते हैं कि इसमें आपका इन्हीं प्रश्नों को रखा जाए तो भाई 2 भी आपके डिफरेंस आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो आपकी त्रुटि है, यहाँ पर मिट्टी नहीं होगा, यहाँ पर जो शुद्ध है वो आपका चिट्ठी लिखा था, ठीक है, त्रुटि बस लिखने में आपकी गलती हो चुकी है, तो इसका जवाब आपका कह सकते हैं बी हो जाएगा, अगर ऐसे हम लोग चिट्ठी मानेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 25 नंबर, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ चुके हैं पहले से ही, सदैव शब्द में संधि विच्छेद बताइए, सदैव शब्द में संधि कौन है, संधि पूछा है भाई, सदैव, तो भाई सदैव को तोड़ेंगे तो बनेगा सदा धन एव बनेगा, बिल्कुल सही है, सदा धन एव, अर्थात ये आपका हो जाएगा वृद्धि संध, ऑप्शन राइट जिसका आपका थर्ड आ रहा है, बिल्कुल सही है, सदैव में आपका हो जाएगा वृद्धि संध, ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए 26 नंबर, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए, प्रत्येक शब्द, 26 का जवाब दीजिए भाई यहाँ पर, बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जवाब है प्रत्येक शब्द में जो आपको उपसर्ग है, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रति हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर आपका बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, प्रति हो जाएगा, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है, 26 को ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय,
इस बार को बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, और सभी लोग फार्म भर दिए हैं ना पीसीएस की, पीसीएस का फार्म भर दिया है, जितने बच्चों ने पीसीएस का फार्म भर दिया है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप उसकी भी क्लास चलेगी, बट अभी कुछ दिन इसकी क्लास चल जाती है, डेट पता कर ली जाए कि कब डेट आ रही है, ठीक है, फिर इसके बाद पीसीएस की क्लास चलाते हैं। चलिए, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय जो लगा है वो आपका है 27 का, बिल्कुल सही है जवाब, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो इक होता है, देखो हमने बताया था कि एक अर्थ निकलना चाहिए था, वैज्ञानिक होता है ना, तो यहाँ पर वैज्ञानिक, यहाँ पर जो इक है ना वो आपका निकल के आया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मोहरा, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मोहरा, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी क्वेश्चन आपने आज ही पढ़ा था, बिल्कुल सही जवाब है 28 को, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ईद का चांद होना, ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, ईद का चांद होना, ठीक है, क्या हो जाना भैया, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाना, ईद का चांद होना, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपका है रिपीटेड, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल है शब्बास, ऑप्शन राइट 29 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ऐसी तैयारी बिल्कुल होनी चाहिए, इसे पता चलता है कि आप लोग मन से पढ़ते हो, मतलब आपस में चैटिंग जरूर कर लेते हो फिर भी मतलब पढ़ाई भी कर लेते हो। चलिए 30 का जवाब दीजिए, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है, हमने बताया था जरूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस गलती होता है, बस एक ही सेंटेंस आपका एक ही पॉइंट गलती होती है, वो गलती आपको दिख रही होगी, शायद ही काफ़ी बच्चों को ना दिख रही हो, यह कह रहे हैं कृष्ण जी के अनेकों नाम है, देखो अनेकों नाम कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, अनेक प्रयोग करते हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ कि बाजार में कह सकते हैं जंगल में अनेकों पेड़ थे, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, ऑलरेडी अनेक ही बहुवचन हो जाता है, तो यहाँ पर आपका अनेक प्रयोग होगा ना कि अनेकों होगा, ठीक है, समझ में आ गया होना। 30 का ऑप्शन राइट जिसका आपका फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए, सद्भावना शब्द में समास, सद्भावना, और ये में इसमें भी काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे, तो सद्भावना में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, सद्भावना में 31 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, और जिसको डिस्क्राइब से पढ़ना है तो 8:30 बजे जरूर आया करिए, तभी आपको फायदा मिल सकता है हिंदी में, और यहाँ हम आपको गद्यांश आपको बाद में सॉल्व कराएंगे एग्जाम के समय, तो 36 तक आप यहाँ प्रश्न छोड़ देते हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं आगे आते हैं जो कि आपका दिया है, हाँ चलिए यहाँ पर दिया है गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, 37 का जवाब दीजिए, गोदान किसकी रचना है, भाई सिंपल क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा प्रेमचंद की रचना है गोदान, ठीक है बिल्कुल सही जवाब है, 37 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 का जवाब दीजिए, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था, चलिए 38 का जवाब दीजिए, 38 का जवाब महादेवी वर्मा को किस पर मिला था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, यामा के लिए, ठीक है यामा के लिए इनको कह सकते मिला था, ठीक है, भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला जवाब है, आके अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चलिए 39 का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ही बच्चों के जवाब आए भाई, कुछ बच्चों गलती हो गई, ऑप्शन राइट आपका फोर हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है ये आपके कह सकते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे वो कितनी नावों में कितनी बार, इनके लिए कृति मिला था आपका 1978 में, ठीक है 1978 में ये आपका दिया गया था 1978 में, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि उर्वशी के रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार, 40 का जवाब दीजिए बिल्कुल फटाफट, आंसर आना चाहिए क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर 40 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके उर्वशी आपके है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और याद रखिएगा कि जो रात वाला टेस्ट होगा उसमें आपको चैप्टर वाइज लास्ट में कह सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट के बाद लगभग 20-25 प्रश्न होंगे जो कि चैप्टर वाइज भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो आपने पढ़ा होगा पहला वाला कि भाषा लिपि है ना, उससे क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो कुल मिला के देखा जाए ठीक ठाक आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो बताइए भाई छत्तीसगढ़ी बोली जो आपकी आती है वो किसके आती है। देखो हमने एक एक चैप्टर रोज लिया करेंगे ताकि पूरी पूरी हिंदी आपको चैप्टर वाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी भाषा लिपि बघेली ऐसे आपने बोलियां जो होती हैं आपने पढ़ा होगा, तो ये प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस शॉर्ट सॉल्व करेंगे और एक टेस्ट ऊपर कह सकते हैं कि एक एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया करेंगे, इससे आपके कह सकते हैं चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है। देखिए जो छत्तीसगढ़ी बोली, मतलब कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी आती है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन अडप के यहाँ पर ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी, है ना। पूर्वी हिंदी हमने बताया था कि आपकी ट्रिक होती है ए बी सी, ए से होती है अवधी, बी से होती है बघेली, सी से होती छत्तीसगढ़ी होती है, ठीक है। तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आया था पूर्वी हिंदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जवाब दीजिए, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपने देखा था मैथिली भाषा, ठीक है, तो मैथिली बोली जो आपकी आती है वो किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत बताइए भाई, बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा बी, आपके मगधी। देखो आपकी जो बिहारी हिंदी है, तो बिहारी हिंदी जो आपकी आती है वो आपके मगधी अपभ्रंश से आई है, और मगधी अपभ्रंश में भी आपकी कह सकते हैं तीन आपकी बोलियाँ होती है, उनमें से आपकी मैथिली भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था बताइए किससे हुआ था। सही जवाब दीजिए, बिल्कुल हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ। याद रखिए हिंदी भाषा जो आपकी आई है अपभ्रंशों से निकल के आई है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि हिंदी की आदिजननी किसे कहते हैं, तब आपको संस्कृत बताना पड़ता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो आपकी ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, फोर का ऑप्शन बताइए भाई, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर फोर का हो जाएगा डी नंबर, आपके काव्य भाषा में, किस भाषा में, काव्य भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाही बोली है, ढूंढाही बोली है, बिल्कुल आंसर फटाफट आना चाहिए, फाइव का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। जो ढूंढाही बोली है वो आपकी पूर्वी राजस्थान की है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की। अच्छा यहाँ पर देखो पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में आपके कह सकते हैं मारवाल लोग रहते हैं, तो मारवाड़ी यहाँ पर बोली जाती है, बोली जाती है। अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं उत्तरी राजस्थान में, तो उत्तरी राजस्थान में कौन बोला जाता है, तो उत्तरी राजस्थान में आपकी जो बोली जाती है क्या बोली जाती भाई, मेवाड़ी, मालवी, बताइए भाई, बिल्कुल फटाफट, मेवाती होगा भाई, ठीक है, इसका आपका मेवाती होगा उत्तरी राजस्थान में, और जो आपकी मालवी है वो आपकी कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान में होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए बताइए निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सिक्स का ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है, सिक्स का ऑप्शन राइट। सी नंबर आपका हो जाएगा, जो मराठी लैंग्वेज है ये आपकी किस में लिखी जाती है, और आपके देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है, ठीक है, सिक्स का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा अर्थात संस्कृत के बाद आपकी कौन सी निकली है, संस्कृत के बाद आपकी कौन सी निकली है, जवाब दीजिए बिल्कुल से फटाफट आंसर आना चाहिए। तो भाई संस्कृत कह सकते हैं जो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है वो है ऑप्शन राइट आपका डी, आपके पाली भाषा से, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका पाली भाषा, जिसका जवाब डी है, बिल्कुल सही है। देखो हमने बताया था सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, फिर आपकी पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर आपकी अवाट, फिर आपकी हिंदी, ठीक है, तो इस हिसाब से कौन हो गई, आपकी डी हो गई। चलिए अगला जवाब दीजिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। आठ का जवाब दीजिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, आठ का जवाब, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। आठ का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, याद रखिए जितनी भी भारतीय भाषाएं या कह सकते हैं अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास हुआ है आपके ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से। अगला है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताइए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपको बताना है, नाइन का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब, नाइन का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी खड़ी बोली, ठीक है, किसकी खड़ी बोली है। चलिए अगला जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली बताना है आपको, तो पश्चिमी हिंदी में आपकी पांच बोलियां हैं और इनमें से देख सकते हैं आपकी बघेली जो आप नहीं है, बघेली किस में आती है भाई, बघेली किस में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है, ठीक है, और एबीसी हमने बताया था, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला जवाब दीजिए, 11 नंबर कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, 11 का ऑप्शन राइट बताइए, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आपके चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में। चलिए 12 का जवाब दीजिए, बहुत बुलवाते हो आप लोग, चलिए बोलिए भाई, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन हुआ है, संविधान के अनुच्छेद में 351 में किस विषय का वर्णन हुआ है। हाँ तो 12 का ऑप्शन
सही है, 12 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हिंदी के विकास की निर्देश, ये शब्द आपका दिया गया अर्थात ये विषय आपका दिया गया है 351 में, ठीक है। चलिए अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही, तो भाई मगही किसकी है, ये आपकी अभी हमने बताया आपकी बिहारी के अंतर्गत आती है, ठीक है, किस में, आपकी बिहारी में आती है, ठीक है, बिहारी में। चलिए 14 का जवाब दीजिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी, 14 का जवाब दीजिए। पुनः संगठन, पुनः बोला गया है पुनः, और पुनः किया गया था आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 1956 में, ठीक है। पुनः संरचना बोला है तो 1956 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए, बघेली, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली का जवाब दीजिए, तो भाई बघेली बघेलखंड अर्थात कह सकते हैं आपके किससे, आपके ऑप्शन राइट आपका बी, आपकी पूर्वी हिंदी से है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल रट गए होंगे क्वेश्चन आपको। चलिए अगला जवाब दीजिए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, तो देखो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, और आपको पता है कि ब्रज भाषा इसलिए बोली गई है क्योंकि बहुत दूर तक प्रचलित है, इसीलिए इसे भाषा दिया गया है ना। तो जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा में है, ठीक है, अच्छा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। 17 का जवाब दीजिए, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। 17 का जवाब बिल्कुल सही जवाब है आपके लल्लू लाल प्रेम सागर, अर्थात लल्लू लाल की पुस्तक आपकी प्रेम सागर में सबसे पहले आपकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए 18 जवाब दीजिए, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है। कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है, 18 का जवाब दीजिए। तो 18 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, भारत मित्र को, ठीक है, भारत मित्र को। नेक्स्ट कर आपसे, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी, 19 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा 1953, जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है 1953, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो हमने बताया था 22 भाषाएं थी, है ना, तो उसमें से आपकी 8वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही जवाब है, सब बात सभी के लिए, तो यहाँ पर आपका 8वीं हो जाएगा। और जिसको कह सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाना है, तो आपको हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर रात को 11 बजे आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, और इसी प्रकार से हिंदी की तैयारी करना है, जुनून और जोश आपके जज्बे हमेशा बने रहना चाहिए। अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो ये समझिए फिर आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, जितना हम बोलते हैं उतनी एनर्जी के साथ आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।